कोरबा का ये वही जगह है जहाँ चिंतामणि जयपुरी जी ने अपना इंट्रो शूट किया था, साहू मोहल्ला इधर राइट साइड में। और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने जो कि रहता है अपना दर्री डैम के जस्ट पहले, और देखोगे तो आप लोग जान जाओगे वो एरिया। दर्री डैम को सामने लखपुर डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, सामने उधर का ब्रिज जो है ख़राब हो गया था तो यहाँ का ब्रिज नया बनाया है। और इधर जाना है अपने को उधर भवानी मंदिर, बहुत दिनों के बाद माता के दर्शन भी नहीं हुए हैं तो सोचा कि एक बार घूम लिया जाए, माता के दर्शन भी कर लिए जाए। ये पहुँच गया हमें भवानी मंदिर, शक्ति कहाँ है, शक्ति ऊपर है। हेलो, पहुंच गए भवानी मंदिर। जय नल में पैर धो लेता हूँ। जस्ट मैं पहुँचा हूँ, भगवान कपट बंद हो गया। आओ गुरुजी बाहर आओ। यह है अपने भवानी मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है अपने कोरबा का, पूरा कांच का बना हुआ है। अपने दोस्त यहाँ का पुजारी है। जब महाराज से दोस्ती रहता है ना तो प्रसाद इतना सारा मिलता है। क्या चीज कह सकती हो, काश ये बद्रीनाथ का है, ये हरिद्वार के है, ये गया जी जाते हैं वहाँ के है ठीक। नमस्ते।
वो अहिल्या बाई होलकर ही चढ़ाई थी उनको। हाँ बना था ना उनका मंदिर, हर जगह तो बना है ना उनका। नहीं बना है, बना है बनारस में ही बना है। वो रानी थी वहाँ की, जहाँ से क्या नाम है उसका, इंदौर की, वहाँ रानी झा। अहिल्येश्वर चाणी, अहिल्या बाई होलकर, ठीक रहे ना, इसको लगाते हैं लेकिन नहीं लगाया, भूल गया। अच्छा कोविड के बाद तो कंपलसरी हो गया ना कवर करने का? नहीं कोविड के बाद थोड़ी ना, बहुत दिन से हुआ ना वो मूर्ति घिसाता है, इसी के लिए मूर्ति वो होता है घिसाता है, होता है अच्छा होता है, इसीलिए उसको कवर अप करते हैं, किसी की नज़र अच्छा लगता है। नज़र का नहीं, जैसे अपन नहाए पानी डाले छुए, मतलब सुबह आते हैं ना हाथ धोकर बढ़िया फ्रेश मूड में ना, और जैसे दोपहर में आ रहे हैं तो कहीं से लहसुन प्याज खा के आ रहे हैं, 10 लोग को छू छा के आ रहे हैं ना, उससे मूर्ति का छाया होता है, इसीलिए ना सब में कावट लगाने लगते हैं। जो सुबह ना ब्रह्म मुहूर्त में जो दर्शन होता है ना उसमें, अब देवी लोग का भी ऐसी होती है, तो देवी में कैसे लगा वो आगे से, आगे से ऐसे कवर अप करो मेरा फ्रेंड है तो जो पूजा पाठ करते हैं, आज उन्हीं के जुबानी भवानी मंदिर के बारे में डिटेल बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो कब बना, क्या हुआ और कौन कौन लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया मूर्ति में, और बहुत कुछ जानेंगे। वैसे यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है, बट स्पेशल परमिशन लेके मैं यहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहा हूँ ताकि लोगों को यहाँ के बारे में और जानकारी हो। तो जैसे कोरबा और आसपास के छत्तीसगढ़ में लोगों को, बहुत लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी है, बट YouTube में डालने से और बहुत लोगों को यहाँ के माता के भवानी मंदिर के बारे में पता चलेगा। कि भवानी मंदिर के बारे में कुछ बताओ, कब से मतलब ये स्थापना कब हुआ और कहाँ से मूर्ति लाए, क्या हुआ था और यहाँ का क्या? ये हुआ था अपना 99 में, 14 फरवरी 1999। अच्छा। जिस दिन महाशिवरात्रि पड़ा था उसी दिन स्थापना हुआ। अच्छा। तो जब हमारी माता रानी और सपने में हमारे गुरु माता जी को बताई थी कि हम शिव शक्ति के रूप में विराजेंगे करके। अच्छा। तो अपन उस हिसाब से मंदिर का स्थापना वगैरह देख करे, तो ये जो शिव जी की स्थापना हुई है अपने यहाँ, तो नर्मदा जी को मानते हैं अपने छत्तीसगढ़ एमपी में, अमरकंटक में, तो वहाँ से जो भी शिव जी शंकर भगवान लेके आओ स्वयंभू होता है, तो उसको स्थापना वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वहाँ का वही आया है। और वो जो देवी माँ है तो वो वही का पुरातन स्थल है, तो ये यहीं से प्रकट हुई है वो। अच्छा। है ना, अब पूजा वूजा होता है जो चलता है नवरात्रि में, बाकी भक्तों का मनोकामना भी पूरा होता है, बाकी आपका ये सेंटर पड़ता है सब जगह से, तो भीड़ भाड़ भी रहता है सब जगह, सेंटर पॉइंट है बीच में, इधर अपना साडा पालको कोरबा कोरबा दर्री कुसुंडा दर्री सबका सेंटर पड़ता है, नदी का किनारा है, पूजा वूजा के लिए भी सुविधा है सब प्रकार का, थोड़ा सा शहर से दूर है, दूर है तो बीच में, तो हाँ शांति का माहौल है। और ये कांच सब उसी टाइम लगा है, कांच का जो कांच 2 साल बाद लगा है कांच का, मतलब 2002 में लगा। हाँ। तो अलग से कारीगर बाहर से आए थे, इसके कारीगर आए थे राजस्थान और आपका दिल्ली से। अच्छा। जो कांच मटेरियल था वो दिल्ली का था और जो कारीगर थे वो राजस्थान के थे, 6 महीनों में कंप्लीट हुआ है। 6 महीने। हाँ। अभी एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, मानस मंदिर, अपन जो रामायण पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा वाला, वो पूरा उसमें संगमरमर और पत्थर में सातों कांड उसमें लिखाए गए। अच्छा। और अपना छत्तीसगढ़ कौशल्या जी का मैके था, तो उसकी स्मृति में वहाँ कौशल्या जी के गोद में राम जी का विग्रह रखेगा, बाल रूप में राम जी कौशल्या जी के गोद में बैठे रहेंगे। अच्छा। यही विग्रह वहाँ स्थापना होगा और ये पूरा ऑल इंडिया में चौथा मंदिर है, मानस मंदिर, मानस में चौथा मंदिर, चौथा मंदिर हो गया ऑल इंडिया में। हाँ। और छत्तीसगढ़ में पहला, छत्तीसगढ़ पहला मंदिर होगा जो कि यहाँ पर होगा आपका, एक अपना चित्रकूट में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, और ये चौथा ये रहा मानस मंदिर। हाँ। उसका निर्माणाधीन है, वो अभी काम चालू है उसका, फोटो क्लिक कर लेना। वो कवर पूरा जो सीलिंग है ना वो भी था। हाँ। अच्छा। तो वो क्या था, उनके पास में था, वो भी स्वयंभू रूप में था। हाँ, वो भी स्वयंभू था, तो उनका जब मंदिर का निर्माण हुआ बहुत जगह टूटा फूटा, तो मंदिर भी उस एरिया में विवादित एरिया में था वो मंदिर। अच्छा। विवादित एरिया था कि वो मंदिर का भी था और उसमें कुछ साधु संन्यासी का जमीन का कुछ विवादित था, तो उन लोग मंदिर
का वो शंकर भगवान को लेके आके अपना अपने आश्रम में रख लिए थे। हम लोग उस आश्रम में गए थे भागवत की कथा करने के लिए। अच्छा। भागवत की कथा में हम लोग का पूजा पाठ ये सब देखे ना वो, तो वहाँ के जो महामंडलेश्वर है वो उसको दे दिए, तो वही है उसमें उसमें अंकित भी हुआ। हाँ, अंकित भी हुआ है उसी का करके। तो अभी उनका पूजन हो रहा है, ये समझ जाओ 2012 में हमको मिला था, तब से मंदिर में है, पूजा कर हो ही रहा है उनका। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये ज्योत कलश जो जलता है आपका, ज्योत का कलश का ऐसा है कि सब जगह मिट्टी के कलश में जलता है, हमारे यहाँ पीतल के कलश में जलता है। अच्छा अच्छा। है ना। हाँ। जो पीतल वाला कलश है ना, वो ऐसे ही में रहता है। देखा भी मैं लास्ट टाइम, उसे 2-4 पीक होगा मेरे पास भेजूंगा, है ना, वो पीतल के कलश में होता है। विद्यमान हो गए इसको ठंडा नहीं करते, नहीं करते हैं उसी में पीतल के जोत में, पीतल का शुद्ध भी माना जाता है धातु को, उसी में जलता है अपने यहाँ। उस टाइम बहुत मेला वाला टाइप भी हाँ, नवरात्रि में मेला भी लगता है अपने यहाँ, जैसे कि शिवरात्रि में भी लगता है अपन के यहाँ। जैसे हमारे जो बड़े गुरुजी थे वो राम जी कृष्ण जी की पूजा करते थे, हमारे जो गुरुजी हैं वो हमारे जो गुरुजी हैं वो शिव जी का पूजा करते थे, जो हमारी गुरु माता है वो माता रानी का पूजा करती थी। तो तीनों का जब कंबाइंड हुआ तो समझ जाओ खाली पर्सनल एक माता रानी का ही नहीं मंदिर है, इसमें हम राघव जी का सेवा होता है, राम जी का सेवा होता है, लड्डू गोपाल का, लड्डू गोपाल का है। तो यहाँ हमारे यहाँ सब पर्व मनाया जाता है, रामनवमी भी होता है, कृष्ण जन्माष्टमी भी होता है, 56 भोग भी लगता है, अन्नकूट का प्रसाद होता है, नवरात्रि भी होता है, शिवरात्रि भी होता है, सभी प्रकार के पूजा होते हैं यहाँ। सप्तशती का मनाया जाता है, रामनवमी भी होता है, कृष्ण जन्माष्टमी भी होता है, 56 भोग भी लगता है, अन्नकूट का प्रसाद होता है, नवरात्रि भी होता है, शिवरात्रि भी होता है, सभी प्रकार के पूजा होते हैं यहाँ सप्त। ठीक है शक्ति जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा दो, देखते हैं कितना किलो का हूँ मैं भी। 77 पहले 85 का था, कम हो गया फुटबॉल खेल खेल के। आजकल नहीं कर रहा हूँ। तो भवानी मंदिर में वेटिंग वेट वाला मशीन लगा हुआ है, यहाँ पर मैं भी अपना वेट नापा, पहले मैं था 85 केजी का और अभी हो गया हूँ 77 केजी का, तो हुआ है कम भी बहुत वेट। ऑल क्रेडिट गोज टू फुटबॉल, फुटबॉल खेलने से मेरा वेट जो है 85 से 87 किलो हो गया। ध्यान नहीं है ना मेरा वीडियो बनाने में, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इधर से ऊपर जाते हैं तो जो पहले घृत क्लस से घृत ज्योति क्लस यहाँ चलता था, अभी ज्योति क्लस ना इधर ऊपर में चलता है, पूरा ये ऊपर में जलता है, अंदर में यहाँ से नीचे ऊपर सीढ़ी से जाते हैं ऊपर में, पूरा क्लस यहाँ पे जलता है। तुलसी माई का पौधा लगा हुआ है यहाँ पे, तुलसी माई, ये तुलसी माई मस्त गार्डन को गार्डन बनाया है यहाँ पे। ये भवानी मंदिर का गार्डन एरिया है, सो डेवलप किए हैं। यहाँ पर हवन होता है, यहाँ पर हवन कार्यक्रम होता है, यहाँ पे पूजा पाठ जब होता है। तो दर्री टू कोरबा रोड है और रेंट से मिलना भी हो गया, और अभी लग रहा है भूख और सोच रहा हूँ मैं जाने के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे थाली मिलता है जो
और उसका रेट भी है वो बहुत अच्छा है, और भरपेट खा भी भरपेट्टा आदमी भरपेट्टा खा सकता है, 30-40 रुपये में जितना खा रहा है उतना खा सकता है, और बहुत ही अच्छा वहाँ क्वालिटी रहता है। चिंतामणि जयपुरी ने अपना पहला इंटरव्यू शूट किया था कोरबा का। तो अभी पहुँचा हूँ मैं घंटाघर निहारिका रोड में, और जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, लंच लेने के लिए, और लेट हो गया है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं लंच मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये इसका ब्रांच जो है, जहाँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ सुरुचि, वहाँ इसका ब्रांच जो है पूरे कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, हर जगह है। और बेस्ट वाला तो मेरे को कोरबा का लगता है सुरुचि। सामने दिख रहा है ये ऑफिस रोड से आते हैं जब, ये सामने रवि डेयरी पड़ता है और उसके जस्ट सामने सुरुचि, ऊपर दिख रहा है सुरुचि। और लगभग 130-120 रुपये में यहाँ भरपेट्टा खाना मिलता है। जितना खाना है खाओ, बस बेटा मिठाई को छोड़ के जितना खाना है आप खा सकते हो यहाँ पे सुरुचि रेस्टोरेंट में। तो ये अपन पहुँच गए सुरुचि। बचा है कि नहीं बचा है अपने लिए? सब खत्म। मैं लेट हो गया। चलिए ठीक है, एक्चुअल मैं ही लेट हो गया। लंच का टाइम निकल गया है और शाम का बज रहा है 4, तो खाना वाना सब ख़त्म हो गया है। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ सुरुचि रेस्टोरेंट में बनाऊँगा कुछ दिन बाद, ताकि वहाँ का सफाई, खाना पीना कितना मिलता है, क्या क्वांटिटी में रहता है, क्या प्राइस है, सब चीज़ डिटेल में शेयर कर सकूँ। और अभी तो ऐसे घर में खाना बना होगा, घर में खाना बना है, तो अभी जाता हूँ कुछ चाट गुपचुप खा लेता हूँ बढ़िया, और उसके बाद निकल। पोस्टर पॉइंट तो डलवा लेते हैं पेट्रोल, और यहीं से ले लेता हूँ राइट में, क्योंकि आगे चौक में बहुत भीड़ रहेगा। तो यहीं से लेके जा रहा हूँ आरबी वाले के यहाँ पेट्रोल डालने, क्योंकि वहाँ की पेट्रोल जो है बहुत अच्छा मिलता है पेट्रोल आरबी वाले के यहाँ का। इधर नहीं, भैया पेट्रोल फुल कर दो। फुल करना है। बस 960 9 लीटर 40 पॉइंट। ऑनलाइन। तो गाड़ी का पेट फुल हो गया है, अब ये देखो कितना इंच चलता है, कांटा जल्दी भागेगा। अब पहुँच जाए बेटा एफ में PM आरबी फ्यूल 960 पोस्ट पेज यूज करना पोस्ट पेड। चलो स्कूल वाले कुछ रवि निकाल रहे किसी चीज़ का, किसी का त्यौहार वार होगा, मस्त रवि निकाल रहे हैं सफाई करते हुए रोड का। पाजी
लोगे भरोगे उसको जी भैया। गरम गरम कुछ है ये, पीने के बाद पता चलेगा क्या है। 153वें प्रकाश पर्व की सभी नगरवासियों को बिजनौर सिख संगत बधाइयाँ। सब सिख भाई लोग यहाँ पर सबको जो गरम गरम है दूध से बना हुआ है उसको बांट रहे हैं, रोक रोक के सबको पिला रहे हैं। मैं भी पिया जस्ट एक गिलास और बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही मस्त था, अच्छा लगा पी के। जय गुरु नानक देव जी। और जैसे यहाँ पर गरम गरम बना रहे हैं चिरौंजी बादाम और क्या कॉफी ऑफी के ना, जो कलर चेंज हो गया है, पिस्ता पिस्ता नहीं वो क्या बोलते हैं, केसर 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 है और ये बादाम बादाम और नारियल का बांधा, हाँ वो खोपरा। बहुत अच्छा, बहुत स्वाद लाया है, अच्छा लगा पी के। ठीक भाई, मज़ा आ गया पीकर। गुरु नानक देव जी के 553वें भाई, मज़ा आ गया पी के। क्या था, दूध दूध था, नारियल खोपरा था, बादाम पिस्ता काजू पेस्ट सबको मिक्स करके बनाए थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी के 553वें जब प्रकाश पर्व पे। चलते हैं, अब तो नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पेट भर गया दो गिलास पी के। मैं भैया से भैया लोग थोड़ा दो मिनट बात किया तो भैया लोग बोले एक गिलास और पी के जाओ, हमसे बात किए हो तो ये उनका है प्यार। तो अब कल है 7 नवंबर और मनाया जाएगा अपने यहाँ हलदेव महाआरती देव दीपावली हिंदू क्रांति सेना के द्वारा कल शाम को। तो कल होगा अपना ब्लॉग सिर्फ देव दीपावली के ऊपर में, और घाट तैयार हो गया है जहाँ पर ये मनाया जाएगा, अपना हलदेव घाट है। तो कल तो होगा पूरा उसी पे ब्लॉगिंग। और वहाँ दिख रहा होगा देव दीपावली का तैयारी चल रहा है, जूम करने पे दिखेगा। कल देव दीपावली मनाया जाएगा अपना हलदेव नदी किनारे सरोंगला नदी घाट पे, तो उसका तैयारी चल रहा है तो कल रहेगा। तो मैं आज के ब्लॉग को अब यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट कल के ब्लॉग में देव दीपावली में। तब तक के लिए बाय, टाटा टेक।